चाणक्य समसामयिकी विशेष में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का विषय है क्या है अश्लीलता। इस विषय के अंतर्गत हम देखेंगे कि यह चर्चा में क्यों है, अश्लील या ऑब्सीन की परिभाषा क्या होती है, अदालतें कैसे तय करती हैं कि क्या अश्लील है, अश्लीलता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मध्य क्या अंतर संबंध है, और इसके बाद हम इससे संबंधित अन्य मामलों को देखेंगे। अंत में इस विषय से संबंधित प्रश्न पर विचार करेंगे, यह चर्चा में क्यों है। एक्टर और मॉडल मिलिंद सोमन ने अपने 55वें जन्मदिन पर गोवा के बीच पर बिना कपड़ों के दौड़ लगाई। दो दिन बाद उनके विरुद्ध गोवा के कोकण पुलिस स्टेशन में केस दर्ज हुआ। इससे कुछ दिन पहले ही एक्ट्रेस पूनम पांडे को गोवा के ही एक प्रतिबंधित क्षेत्र में कथित अश्लील फोटोशूट के लिए गिरफ्तार किया गया था। दोनों पर सार्वजनिक स्थल पर अश्लीलता फैलाने के आरोप हैं। इसमें सबसे ज्यादा इस बात पर सवाल रहे हैं कि मिलिंद सोमन ने जो किया उसके लिए उनकी बॉडी की तारीफ हो रही है, वहीं पूनम पांडे को निशाने पर लिया जा रहा है। अश्लील या ऑब्सीन की परिभाषा क्या होती है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कहती है कि नैतिकता और शालीनता के मापदंडों के विपरीत आचरण अश्लील है। कोई किताब या वस्तु तब अश्लील होती है जब आईपीसी के सेक्शन 292 के अनुसार वह कामुक या अविवेकशील हो, या किसी को कमजोर करने का इफेक्ट डालने वाली, या किसी को भ्रष्ट करने वाली हो। क्या ऑब्सीन है क्या नहीं, यह तय करना अदालतों का काम हो गया है। इसमें भी 3 महीने तक की सजा है। कानूनों में अश्लीलता की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में अश्लील सामग्री, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट महिलाओं का अश्लील चित्रण, यंग पर्सन्स हार्मफुल पब्लिकेशन एक्ट बच्चों को भ्रष्ट करने वाली अश्लील सामग्री, और सिनेमेटोग्राफी एक्ट फिल्मों में अश्लील दृश्य में भी अश्लील सामग्री को परिभाषित किया गया है। इसके लिए अलग अलग सजा तय है। अदालतें कैसे तय करती है कि क्या अश्लील है। सुप्रीम कोर्ट ने 1965 में रंजीत उदेशी मामले में ब्रिटिश कालीन हिकलिन टेस्ट को अपनाया था। इसके आधार पर तय होने लगा कि कोई वस्तु या किताब अश्लील है या नहीं। इसके अनुसार कोई मामला अश्लील माना जा सकता है यदि उसमें लोगों के दिमाग को भ्रष्ट करने की क्षमता हो। वर्ष 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने अविक सरकार केस में हिकलिन टेस्ट को खारिज किया। इसके स्थान पर अमेरिकन रोथ टेस्ट को अपनाया। यह आधुनिकता के करीब है और इसका कहना है कि सामान्य व्यक्ति की नजर में जो सामग्री अश्लील हो वह अश्लील है। इसमें उस समय के कम्युनिटी स्टैंडर्ड को आधार बनाना चाहिए। नई व्यवस्था का अर्थ यह है कि कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट में समाज के बदलते मूल्यों को ध्यान में रखा जाए। एक सदी या एक दशक पहले जो अश्लील था वह आज भी अश्लील हो यह जरूरी नहीं। अश्लीलता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मध्य क्या अंतर संबंध है, अब हम देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संविधान के आर्टिकल 19 के अनुसार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि आप स्वच्छंद हो जाओ। आप जो भी करो वह नैतिकता और शालीनता के दायरे में होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि जब बात अश्लीलता या अश्लील सामग्री की आती है तो उसे नैतिकता पर, समुदाय के स्टैंडर्ड पर खरा उतरना चाहिए। भारतीय अदालतों ने हमेशा से नैतिकता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विवाद में आर्टिस्टिक फ्रीडम का पक्ष लिया है। 2008 में MF हुसैन केस में यही व्यवस्था दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 2016 के पेरुमल मुरुगन जजमेंट में कहा कि कला अक्सर उत्तेजक होती है, यह सबके लिए नहीं होती। किसी सामग्री को इस आधार पर अश्लील नहीं कहा जा सकता कि वह समाज के एक तबके के स्टैंडर्ड पर खरी नहीं उतरती। अब एक नजर इससे संबंधित अन्य मामलों पर। सादत हसन मंटो, इस्मत चुगतई समेत कई लेखकों के खिलाफ भी कामुकता को लेकर केस दर्ज हुए हैं। लेडी चैटरलीज लवर जैसे नॉवल और भारत माता पेंटिंग से लेकर बैंडिट क्वीन, AIB रोस्ट जैसे कॉमेडी शो पर भी अश्लीलता के आरोप लगे हैं। 2007 में एड्स अवेयरनेस कार्यक्रम में
हॉलीवुड एक्टर रिचर्ड गेयर द्वारा शिल्पा शेट्टी पब्लिक में किसिंग मामले में गेयर के खिलाफ अरेस्ट वारंट तक जारी हो गया था। केरल में 2014 में पब्लिक में किसिंग के खिलाफ किस ऑफ लव कैंपेन चला। सरकार ने अश्लीलता कानून के तहत कार्रवाई की धमकी दी तो कैंपेन खत्म हुआ। 1995 में मॉडल मधु सप्रे के साथ मिलिंद सोमन पर एक एडवर्टाइजमेंट में बिना कपड़े के दिखने पर अश्लीलता के आरोपों पर केस चला। 14 साल चले ट्रायल के बाद उन्हें बरी किया गया। आज का प्रश्न है कि हाल ही में एक्टर और मॉडल मिलिंद सोमन और एक्ट्रेस पूनम पांडे पर सार्वजनिक स्थल पर अश्लीलता फैलाने के आरोप हैं। आईपीसी के सेक्शन 292 के अनुसार कोई किताब या वस्तु तब अश्लील होती है, कथन एक, जब वह कामुक या अविवेकशील हो, कथन दो, जब किसी को कमजोर करने का इफेक्ट डालने वाली हो, कथन तीन, जब किसी को भ्रष्ट करने वाली हो। उपरोक्त में से असत्य कथन है। विकल्प एक, एक और दो दोनों। विकल्प बी, दो और तीन दोनों। विकल्प सी, एक, दो और तीन। विकल्प डी, इनमें से कोई नहीं। कमेंट सेक्शन में आप सभी के जवाब का इंतजार रहेगा। पिछले वीडियो में जो प्रश्न पूछा गया था उसका सही उत्तर है विकल्प ए। इसके साथ ही इस वीडियो को हम विराम देते हैं, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।